ओके गाइस, सो पार्ट टाइम जॉब्स, अगर आप स्टूडेंट हैं फिनलैंड में आ रहे हैं तो आपको चाहिए पार्ट टाइम जॉब्स, और आपको अगर मान लीजिए डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं काम के लिए, तब भी आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, ठीक है। तो लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स के लिए बहुत से वीडियोस बनते हैं, मैंने भी एक वीडियो बनाया, उसमें सारी लिंक्स बताई हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स आपको क्या कहते हैं, जो जनरली जो कॉमन जॉब्स होती है, जैसे क्लीनिंग की जॉब है, डिलीवरी जॉब्स है, फूड डिलीवरी की है, मैगजीन डिलीवरी की, न्यूज़पेपर डिलीवरी की जॉब्स है, ठीक है। अदर जॉब्स मान लीजिए आपकी पार्ट टाइम हो सकते हैं, एज ए ट्रेनी और इंटर्न कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी शॉप्स में कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब्स का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक तो रूटीन पे होता है, मैंने बहुत सारी लिंक्स भी दे रखे हैं कि भाई ऑनलाइन आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो पार्ट टाइम जॉब्स, और आप फिर वेट कर रहे हो कि जॉब मिल रही कि नहीं मिल रही। तो मैं फिर बता रहा हूँ, जो लोग केवल ऑनलाइन अप्लाई करके और वेट कर रहे हैं पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, तो एक बात ध्यान रख लीजिए, केवल 20% लोगों को ही वो जॉब मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब्स सोच रहे हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करके तो मिल जाएगी, और आप वेट कर रहे हो घर बैठ के, ठीक है, इनएक्टिव हैं आप, केवल यहाँ बैठ के सोच रहे हैं आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी वे फिनलैंड में, या मैं केवल फिनलैंड की बात नहीं करूँ, यूरोप की किसी भी कंट्री में, तो भाई बहुत मुश्किल है। इस तरह से नहीं चलता पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, ठीक है। तो आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है रूटीन वे से अलग होके। आप चाहे फूडोरा में मिल जाए, वोल्ट की डिलीवरी जॉब मिल जाए, ठीक है, पोस्ती में मिल जाए आपकी न्यूज़पेपर डिलीवरी की, मैगजीन डिलीवरी की, आप सोच रहे कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिया और मेरे पास कॉल आ जाएगी, भाई इतना आसान नहीं है ना, इतना आसान नहीं होता कि आपने ऑनलाइन कर दिया और आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं, सोचो मान लीजिए 2000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 10 वैकेंसी हैं, 12 वैकेंसी हैं, तो चांसेस बहुत कम है ना। तो मैं तो 10-20% तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, तो समझ गए ना आप, तो बहुत मतलब 5% समझ लीजिए आप कि 5% ही चांसेस हैं आपके होने के, और मे बी लेस देन 5% आई वुड से। तो इनसे हट के आपको अगर आप वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगी। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो पहली बात मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी डिपेंडेंट हैं उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन है आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट, आपके प्रोफेसर्स, आपके जो यूनिवर्सिटी में जो रिसेप्शनिस्ट है, आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्या कहते हैं सुपरवाइज़र है, आपकी यूनिवर्सिटी में जो क्लीनिंग जो लोग करने आते हैं, कभी आपको दिख गए होंगे, वो लोग आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, उन लोगों से आप बात करोगे तब आपको जॉब मिलेगी। सबको पता होना चाहिए कि आप पार्ट टाइम जॉब्स आपको चाहिए। अगर आप बैठे रहेंगे शर्माएंगे कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा हूँ यार, मैं क्यों सबसे बोलूँ कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मैं क्यों बोलूँ मुझे क्लीनिंग की जॉब चाहिए, मैं क्यों बोलूँ कि मुझे फूड डिलीवरी की जॉब चाहिए, मैं क्यों बोलूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह की अगर आपकी अप्रोच होगी, यू विल नेवर गेट अ पार्ट टाइम जॉब, और आप केवल फिर अब्यूज़ करोगे कंट्री को, अब्यूज़ करोगे उस प्लेस को जहाँ पे, जो ही नहीं आप फिनलैंड को, आप फिनलैंड में जा रहे हो फिनलैंड की बुराई करोगे, आप क्या जर्मनी जा रहे हो जर्मनी की बुराई करोगे, आप सब जगह की बुराई करोगे लास्ट में कि हाँ कुछ नहीं मिलता। ऐसे लोगों को कभी नहीं मिलता, केवल जो ऑनलाइन जॉब्स के भरोसे बैठे हैं, पार्ट टाइम जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं केवल। तो भाई तो आपको क्या करना चाहिए, तो मैंने बता दिया, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे अपने प्रोफेसर से बात कीजिए कि सर मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए किसी भी तरीके से, कोई भी जॉब, उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी का जो रिसेप्शन में जो बैठता है उससे आपको बात करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी गार्ड से आपको बात करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गार्ड वो पर्सन है जो भी कोई क्लीनिंग करने आता है यूनिवर्सिटी में, जो भी कंपनी सिक्योरिटी गार्ड के उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होते हैं, इवन फ्रेंडली रिलेशन होते हैं। अगर वो उससे आप बात करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ करवा देगा आपका काम, ध्यान रखिएगा ये बात। अपना लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जब मैं लंदन में पढ़ता था मुझे जॉब चाहिए, लंदन बहुत एक्सपेंसिव था, मे मोर एक्सपेंसिव देन फिनलैंड। जब मैं लंदन में पढ़ता था, पहले बता चुका हूँ पहले भी वीडियो में, कि जब मुझे ज़रूरत थी तो भाई तो मैंने हर जगह, जबकि लंदन में तो इंग्लिश कोई लैंग्वेज कोई बैरियर भी नहीं था, लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं था ना, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है वहाँ की, नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, तब भी मैंने मुझे जॉब नहीं मिल रही थी पार्ट टाइम। तो मैंने अपने क्या कहते जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे मेरे अच्छे रिलेशन थे, ठीक है, तो उससे मैंने बात की थी, उसने मेरे तीन दिन के अंदर एक क्लीनिंग कंपनी से बात करके मेरी क्लीनिंग की जॉब लगवा दी। और लेटर ऑन फिर मेरे सुपरवाइजर से मैंने ऑलरेडी बोल रखा था, मेरे सुपरवाइजर ने फिर मुझे स्कूल में जॉब लगवा दी, एग्जाम इन्विजिलेटर की जॉब, ठीक है, ऐसे जॉब मिली मुझे पार्ट टाइम जॉब। तो भाई आपको इन सारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है, जो भी हो आपके। अगर मान लीजिए डॉर्मेट्री में रहते हैं, डॉर्मेट्री में जो आपके जो क्या एडमिनिस्ट्रेटर है जिस डॉर्मेट्री में आप रह रहे हो या हॉस्टल में रह रहे हो, उनसे बात करो, जिनसे मिलो उनसे बात करो, आप जिस इंसान से मिलो उससे आपको बात करनी पड़ेगी। आप एक्टिव रहोगे मिलेगी। देखो यार जमाना बदल गया है, ठीक है, अब आपको अगर एक्टिव हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, आपको एक्स्ट्रोवर्ट बनना पड़ेगा। अपना जो कहते हैं ना कि अपना लक आपको खुद लिखना है अपने हाथों से, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, जिस शॉप में जाओगे सुपरमार्केट में जाओगे जो मिले आप उससे बात कीजिए। कभी कभी सुपरमार्केट में चले जाते हो, देख रहे हो कोई क्लीनिंग कर रहा होता है,
उनसे बात करो यार, क्या शर्माना है, क्या शर्माना है इसमें, वो भी तो जॉब कर रहे हैं ना, उन्होंने भी ऐसे कुछ किया होगा, सबसे बात करो। अगर आप ये जो अप्रोच रखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, मैं 100% कह रहा हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखिएगा मेरी बात, ठीक, समझ में आ गया। अब उसी तरह से अब आप डिपेंडेंट पे आ रहे हो, डिपेंडेंट पे आ रहे हो, तो डिपेंडेंट वालों को भाई ये मान लीजिए डिपेंडेंट है आपको स्कूल से यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब आपके कोई कॉन्टैक्ट नहीं है भाई, आप डिपेंडेंट पे आ रहे हैं, ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो आपको जो भी इवेंट्स होती हैं जिस सिटी में, आप देख सकते हो सिटी की वेबसाइट होती है, सिटी की वेबसाइट में कई सारी नेटवर्किंग इवेंट्स होती हैं, उनमें जाइए, उनमें सबसे बोलिए कि मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। हर इंसान से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से आप जैसे कहीं भी विजिट कर रहे हैं, जैसे ठीक है आप मान लीजिए क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयड ऑफिस में विजिट कर रहे हैं, वहाँ भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे, जहाँ भी आपको जो लोग मिल रहे हैं, कभी भी आपको देख रहे होंगे कि आप लोग कोई पेपर डिलीवरी वाला आ रहा है, वो पेपर डाल रहा है, उससे बात करो। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें वर्क करेंगी, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ, मैं थ्योरेटिकल नहीं बता रहा हूँ कि वीडियो बनाने के लिए कैसे कर दो, उसका लाइसेंस मिल जाएगा, उसका मिल जाएगा, उसका अकाउंट बन जाएगा, वोल्ट का बन जाएगा, फेडोरा का बन जाएगा, ये करेगा, मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, इनके भरोसे मत बैठना। एक्टिव रहोगे, जितनी ज़्यादा एक्टिव रहोगे उतनी जल्दी जॉब मिलेगी, नहीं तो फिर आपको 6 to 8 months और 9 months में भी 1 year तक वेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट अ पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फिनलैंड, मैं कल फिनलैंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी कंट्री, किसी भी यूरोपियन कंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, हर जगह बात कीजिए, हर जगह बात कीजिए, जो मिले उससे बात करो। आपको फाइंड करना है, पहले आपने फाइंड कर लिया, अच्छा पार्ट टाइम जॉब्स कौन कौन सी कर सकता हूँ मैं, आपने पता कर लिया, अरे यार मैं पेपर डिलीवरी कर सकता हूँ, मैं एग्जिट डिलीवरी कर सकता हूँ, मैं क्लीनिंग की जॉब कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में भी कर सकता हूँ। तो भाई जो जॉब आप कर रहे हो तो वो कौन बताएगा आपको भाई, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था कि 75% जॉब्स इंटरनल भरी जाती हैं, जो जॉब्स आप देखते हो ना, आप देखते इतनी सारी जॉब्स, वो जॉब्स केवल 25% है जो आपको लिख रहा है, लिंक्डइन में आ रही है, इसमें आ रही है, उसमें आ रही, पार्ट टाइम जॉब्स कई सारी आ रही हैं, इसमें आ रही है, वो केवल 25% है। 75% जॉब्स जो होती है वो कॉन्टैक्ट से ही भरी जाती हैं, तो आप जब कॉन्टैक्ट ही नहीं करोगे तो आपको जॉब कैसे मिलेगी, फिर लास्ट में तो गाली दोगे ही आप कंट्री को, तो जो प्रोसेस है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो मेरा बनाने का यही मकसद था, आपको ये अप्रोच रखनी पड़ेगी, ये अप्रोच नहीं रखोगे आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। हर तरह से आपको सारे, मतलब मैं देखो कई सारी चीज़ें होती हैं, आप क्या करते हो, अरे ये कैरियर इवेंट हो रही है, ये मीटिंग इवेंट है, कोई क्या कहते हैं नेटवर्किंग की इवेंट है, आप सिटी ऑफ सिटी की किसी भी सिटी की वेबसाइट देख सकते हो, वासा सिटी की, टेम्परे, ओलू, हेलसिंकी, कई सारी इवेंट्स होती हैं, आप सोचते अरे कौन जाएगा उसमें, मत जाओ, कौन बुला रहा है तुम्हें, वो तो है, जाना हो जाओ, अगर आपको अपने आपको लगता है अपना फ़ायदा उठाना है तो। यही चीज़ें तो होती हैं जहाँ पे आप बात कर सकते हो, और अगर बैठे रहोगे ना, बोलोगे कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं सब बढ़िया है, मेरे सब बढ़िया चल रहा है, मैं तो अपने कंट्री में बहुत बड़ा बड़ा था, पैसे ये वो, यहाँ पे आपको जॉब चाहिए, आप जॉब सीकर हो यहाँ पे, तो उसी तरह से आपको अप्रोच करना पड़ेगा कि बताना पड़ेगा सबको कि मैं जॉब सीकर हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए, हर तरह से वो कीजिए, और एक बात ध्यान रखिए, जब भी अपने यहाँ से आई, जिस कंट्री से आप आ रहे हो ना, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आना, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लोगे 3-4 हज़ार यूरो पड़ जाएगा आपका, ठीक है। अपनी कंट्री से लेके आओगे, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा तुरंत, फिनिश के ड्राइविंग लाइसेंस में 39 यूरो लगेंगे केवल, ठीक है। और ये सारा डिटेल में जो वीडियो था, मैं एक ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो का नाम है गेट हायर्ड, हाउ टू फाइंड पार्ट टाइम जॉब इन फिनलैंड, ठीक है वो। और उसमें कई सारी वेबसाइट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन आप केवल 3-4 वेबसाइट डालते हो। उस वीडियो में मैंने बहुत सारी एडिशनल वेबसाइट बताइए जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी कीजिए, ऑनलाइन तो कर नहीं करना है, लेकिन केवल ऑनलाइन के भरोसे अगर आप बैठोगे तब नहीं मिलेगी जॉब। तो बस यही मेरा मेन मकसद था बताने का, कि आपको ये अप्रोच अपनानी पड़ेगी अगर आपको वाकई, आप वाकई चाहते हो कि फिनलैंड में जॉब मिले आपको, या फिर ऐसे ही करते रहोगे, बस करते रहो ऑनलाइन अप्लाई, और रोते रहोगे सबके सामने कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं क्या करूँ या नहीं करूँ। आप एक्टिव बनो, अपने आप को इम्प्रूव करो, और साथ में जब करते रहो, ये करते रहो साथ में फिनिश लैंग्वेज भी सीखते रहो अपना खुद ही ऑनलाइन, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने प्रॉमिस किया था बनाऊंगा उसमें, कि कहाँ से आप फ्री, मतलब जो लैंग्वेज, जो फिनिश लैंग्वेज है वो सीख सकते हो, उस वीडियो का भी आप लोग वेट करो, ठीक है। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज है आपका देसी टीचर यूरोप से,
वो भी आपको फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, कि इंस्टाग्राम पे मैं बराबर शॉर्ट शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, वो भी आपको जरूर फॉलो मतलब उस पर फॉलो करना है, ठीक है, जिससे आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, मैसेज का हो सकता है मैं रिप्लाई ना करूं, लेकिन मैं लाइव सेशन करूंगा जब भी, यूट्यूब का करता हूं, बीच में इंस्टाग्राम पे करता हूं, तो सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूं। और कभी मुझे लगता है रिप्लाई करना है तो मैं उस मैसेज का रिप्लाई भी कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट अगर मुझे लग रहा है तो, ठीक है। तो बस यही बताना था, यही इन्फॉर्मेशन मुझे बताई थी, मैं हमेशा प्रैक्टिकल और सही इन्फॉर्मेशन बताता हूँ और ऑनेस्ट बताता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।